Hi everyone, I am Madhu and I read in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 विच इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो ये हमारे साइंस सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 है और ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। हम लाइफ प्रोसेसेस कर चुके हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने कर लिया है। Now we are going to do chapter number 8 of our science syllabus, which is how do organisms reproduce. So this is also a very important and easy chapter. Okay, so इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So watch the video till the end. So without wasting time, let's start our chapter. और जैसा कि आप सभी को पता है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक इंस्पिरेशनल थॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो टुडेज इंस्पिरेशनल थॉट इज यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट गिव द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। सो दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग थॉट। इस थॉट से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ को अपनी मेहनत से खुद डिजाइन करना चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेसेस के बारे में पता है। अगर कोई दूसरा हमारी लाइफ को डिजाइन करेगा तब हम उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। ओके, सो यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट गिव द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। सो ये आज का इंस्पिरेशनल थॉट है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स टू बी डिस्कस, मतलब किन किन टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बींग्स। तो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? ताकि अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। अर्थ पर जो लाइफ है वो कंटिन्यू कैसे कर रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, ये कैसे हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है बिकॉज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो अब देखो, जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो नया जो इंडिविजुअल बना है, जो नया ऑफस्प्रिंग बना है, जो रिप्रोडक्शन के बाद जो नया इंडिविजुअल बनता है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट्स जैसा थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है। जैसे अगर हम हमारे बारे में बात करें, हम थोड़े थोड़े अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो सिमिलैरिटी है, हम थोड़े थोड़े अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पेरेंट्स जैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन थोड़े थोड़े हमारे फेशियल फीचर्स, बॉडी के जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स जैसे होते हैं। व्हाई? दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए क्या होता है? ये होता है जेनेटिक मटीरियल, हेरिडिटी मटीरियल, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से हम में आता है। ओके, सो दैट इज डीएनए।
तो देखो, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए, डीएनए की ये फुल फॉर्म है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए विच इज द हेरिडिटी मटीरियल। देखो जो हमारा सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो हमारे पेरेंट्स से हम में आता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, दैट इज द हेरिडिटी मटेरियल विच इज डीएनए। ठीक है, तो ये जो सिमिलैरिटी है, हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर टू देम, ऐसा क्यों, क्योंकि उनके जीन्स, उनके जेनेटिक मटेरियल, उनके डीएनए से हमारे डीएनए में आए हैं। ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। देखो हम बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे तो दिखाई नहीं देते, थोड़े हम उनसे अलग दिखाई देते हैं, तो ये वेरिएशन क्यों होती है, ये वेरिएशन इसीलिए होती है क्योंकि जो डीएनए है वो दो जगह से कॉपी होता है, मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमन में मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक मेल पेरेंट होता है, फीमेल पेरेंट होता है, तो रिप्रोडक्शन के टाइम दोनों के डीएनए रेप्लीकेट होते हैं और दोनों के डीएनए हमारे अंदर आते हैं, दोनों के जेनेटिक मटेरियल हमारे में आता है, तो इसीलिए वेरिएशन होती है, हम बिल्कुल उनके जैसे दिखाई नहीं देते क्योंकि डीएनए दो जगह से कॉपी होता है, मेल पेरेंट से भी और फीमेल पेरेंट से भी, इसीलिए वेरिएशन होता है। और ये वेरिएशन जरूरी है, क्यों जरूरी है, बिकॉज फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए ये जो हमारे में वेरिएशन आता है ये जरूरी है। एवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए कॉपी होता है मेल पेरेंट से भी और फीमेल पेरेंट से भी, है ना, तो डीएनए दो जगह से कॉपी होता है, मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से। अगर डीएनए दो जगह से कॉपी हो रहा है तो वेरिएशन आएगा ना, बिल्कुल एक जैसा तो नहीं, हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे तो नहीं दिखाई देते, उनसे थोड़ा अलग दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि डीएनए दो जगह से कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वेरिएशन आ जाता है, हमारे में वेरिएशन आता है और ये वेरिएशन जरूरी है। ठीक है, so these new cells will be similar but may not be identical to the original cell। मतलब जो नया सेल बनेगा, जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसके जो सेल्स होंगे वो उसके पेरेंट के सेल से सिमिलर होंगे लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते, बिल्कुल सेम टू सेम उनके जैसे नहीं होते, क्यों, क्योंकि जो डीएनए जब कॉपी होता है दोनों जगह से, मेल पेरेंट से भी और फीमेल पेरेंट से भी, तो उसमें वेरिएशन आता है और उस वेरिएशन की वजह से हम बिल्कुल उनके जैसे दिखाई नहीं देते, उनसे थोड़ा अलग दिखाई देते हैं। ओके, सो दिस इज वेरिएशन, और ये वेरिएशन यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड स्पीशीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए हम इवॉल्व करते रहते हैं, हम इवॉल्व क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। देखो अगर हम लाखों करोड़ों साल पहले की बात करें तो पहले क्या होते थे, एप्स होते थे, हम ऐसे तो नहीं दिखाई देते थे लाखों करोड़ों साल पहले, पहले एप्स होते थे, और फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ, इवोल्यूशन होता गया, वेरिएशन आती गई जनरेशन में, स्पीशीज में, तो वो एप्स इवॉल्व होके आज हम ऐसे ह्यूमंस बने हैं। तो आज हम ऐसे कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ह्यूमंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, हम इवॉल्व होते हुए आए हैं, हम में इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वेरिएशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के टाइम मेल पेरेंट से भी फीमेल पेरेंट से भी दोनों जगह से डीएनए कॉपी होता है, दोनों जगह से डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसलिए जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें वेरिएशन होती है और इस वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है और ये एवोल्यूशन जरूरी है। ओके, सो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और डीएनए क्या होता है। ठीक है, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। ओके, सो हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन जरूरी है एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये जो सिमिलैरिटी है हम में, हमारे पेरेंट्स में, वो क्यों होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए विच इज द जेनेटिक मटीरियल, विच इज द हेरिडिटी मटीरियल। ठीक है, और हम में वेरिएशन भी आती है एंड दिस वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
So friends, now we are going to discuss about the types of reproduction. तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और यू कैन से देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो ये दो टाइप्स हैं, इनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे और फिर हम इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. तो देखो, मेजर डिफरेंस इनके बीच में ये है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व्ड होता है. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वही रिप्रोड्यूस करता है और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता रहता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वही नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता रहता है. ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, अब यहां पर आप खुद सोचो कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, तो जब वो नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो जो नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो भी बिल्कुल उसके जैसे ही होंगे. ये तो ऑब्वियस ही बात है. अगर मान लो एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन कर रहा है, एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे जा रहा है, तो जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो भी बिल्कुल उसके जैसे ही होंगे. मतलब उसका डीएनए ही उसके ऑफस्प्रिंग में होगा, कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट होता है, तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा और नए नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा, तो वो जो नए ऑर्गेनिजम्स को जिनको वो प्रोड्यूस करेगा वो बिल्कुल उसके जैसे ही होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, डीएनए भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मतलब दो जगह से डीएनए कॉपी होगा. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, और दोनों का डीएनए कॉपी होता है ऑफस्प्रिंग में. तो ऑफस्प्रिंग जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें मेल के भी कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल के भी कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें मेल का भी डीएनए है और फीमेल का भी डीएनए है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है. ठीक है, जो नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, वो वेरिएशन करते हैं. वेरिएशन क्यों होता है उनमें? क्योंकि दो जगह से डीएनए आ रहा है, दो जगह से डीएनए कॉपी होता है. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, एक ही पेरेंट होता है और वही रिप्रोड्यूस करता रहता है, और जो नए नए ऑफस्प्रिंग आते हैं वो बिल्कुल उसके जैसे ही होते हैं, तो कोई वेरिएशन होता ही नहीं है, क्योंकि एक ही पेरेंट है और उसी का डीएनए उसकी अगली ऑफस्प्रिंग में चलता रहता है. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. तो इससे हमें यह समझ आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है. वेरिएशन मतलब जो स्पीशीज है वो वेरिएशन करती रहती है, मतलब बिल्कुल हम सिमिलर नहीं होते ना हमारे पेरेंट्स जैसे, हम उनसे डिफरेंट होते हैं. तो ये क्या है? ये वेरिएशन है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है. क्यों होता है? क्योंकि डीएनए दो जगह से कॉपी होता है, एक मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से भी. तो 50% कैरेक्टर्स हमारे मेल के होते हैं, मेल से आए होते हैं, मेल पेरेंट से आए होते हैं, और 50% कैरेक्टर्स फीमेल पेरेंट से आए होते हैं. इसीलिए हमें वेरिएशन होता है. अगर हमें वेरिएशन होगा तो एवोल्यूशन होगा. एवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया ना, जैसे ह्यूमंस इवॉल्व, हमने एवोल्यूशन किया है. जैसे लाखों करोड़ों साल पहले हम एप्स थे और फिर एवोल्यूशन होके, इवॉल्व होके आज हम ऐसे बन गए हैं. तो एवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन होता रहता है जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, इसीलिए एवोल्यूशन भी होता है, हम इवॉल्व कर पाते हैं. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बहुत कम वेरिएशन होता है, बिल्कुल ना के बराबर वेरिएशन होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट है, वही रिप्रोड्यूस करता रहेगा और उसी का डीएनए ऑफस्प्रिंग में जाएगा. तो कोई दूसरा पेरेंट है ही नहीं, उसी की सारी कैरेक्टर्स हैं उसके ऑफस्प्रिंग में, तो वेरिएशन आता ही नहीं है. और अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं होता है. मतलब जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो उनमें वेरिएशन नहीं होता, वो इवॉल्व नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब वेरिएशन ही नहीं आ रहा तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा ना. तो बिल्कुल ना के बराबर वेरिएशन होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट
इन्वॉल्व होता है. ओके, आई होप इतना आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है. सो यही इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का यही मेजर डिफरेंस है कि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, ठीक है, एल्गे, ठीक है. सो हम आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे. तो जो मोस्टली जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ईस्ट, ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, फिश, ठीक है. और प्लांट्स भी करते हैं, हायर प्लांट्स, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, सो दिस वॉज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम बोथ. अब इनके टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 टाइप्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहला है फिजन, फिर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और स्पोर फॉर्मेशन. तो ये 6 टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सो इनके बारे में डिटेल में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है. तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है. और फिर हम देखेंगे लास्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि हमें अब क्या क्या पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फिजन. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स होते हैं, सो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो सबसे पहला टाइप था फिजन. तो फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है. फिजन का मतलब ही ये होता है डिवाइड होना. सो व्हाट इज फिजन? इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स. यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एक पेरेंट सेल कई डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, एक सेल कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिजन, ठीक है. अब फिजन के भी दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. दो टाइप्स होते हैं फिजन के, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. अभी आगे मल्टीपल फिजन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखो, बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन, बाइनरी वर्ड का मतलब होता है दो. ये तो आप गेस कर सकते हो कि बाइनरी का मतलब होता है टू. तो बाइनरी फिजन क्या होता है? व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स, इट इज बाइनरी फिजन. मतलब ऐसा फिजन जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, उस टाइप की फिजन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं. सिंपल सी बात है, जब एक सेल दो नए सेल में डिवाइड हो जाए वो होता है बाइनरी फिजन. एक पेरेंट सेल दो नए डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज व्हाट बाइनरी फिजन, ठीक है. आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ये अमीबा है, ठीक है, दिस इज अमीबा और ये बाइनरी फ्यूजन करता है, ठीक है. सो यहां पर ये देखो, ये अमीबा है, ये एक पेरेंट सेल है, ये एक सेल है, ठीक है. अब ये अमीबा है, ये पहले देखो, यहां पर आप देख सकते हो इसमें ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है. अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो एक ही सेल का होता है. सो ये एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है. अब अगले डायग्राम में देखो, यहां पर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होने लग रहा है, ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो रहा है. यहां पर ये न्यूक्लियस देखो डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है. यहां पर ये बीच में से कट आ रहा है ना. और यहां पर देखो, ये बिल्कुल दो सेल्स बन चुके हैं, ये दो नए सेल्स बन चुके हैं. जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो चुका है और साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है. और यहां पर हम देख सकते हैं दो नए सेल्स बन चुके हैं, ठीक है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इन एमीबा. एमीबा क्या है? एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है. यहां पर हम देख सकते हैं जो एमीबा है, पहले वो डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लग गया और ये दो नए डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है. जब भी सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, हर चीज डिवाइड होती है सेल में, ठीक है. सो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल
दो नए डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, तो ये बाइनरी फ्यूजन है क्योंकि एक सेल दो नए सेल में डिवाइड हो गया, एक पेरेंट सेल दो नए डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। ओके, सो आई होप इतना आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा। ओके, तो बाइनरी फ्यूजन के कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे एमीबा, ये मैं डायग्राम है उसका, टेरामीशियम, लीशमेनिया। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच डू बाइनरी फ्यूजन। ओके, सो ये हमने बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ा, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट। तो बाइनरी फ्यूजन हमने पढ़ लिया, अब दूसरा टाइप है मल्टीपल फ्यूजन। अब देखो मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, व्हेन द फ्यूजन रिजल्ट्स इन मेनी डॉटर सेल्स इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। सिंपल सी बात है, बाइनरी फ्यूजन में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा था, और मल्टीपल फ्यूजन में एक पेरेंट सेल कई सारे डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एक पेरेंट सेल मेनी डॉटर सेल में डिवाइड होता है, वो होता है मल्टीपल फ्यूजन। नाम से ही आप पता कर सकते हो, मल्टीपल मतलब बहुत सारे डॉटर सेल, तो एक सेल बहुत सारे नए सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हेन द फ्यूजन रिजल्ट्स इन मेनी डॉटर सेल्स इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये प्लाज्मोडियम का एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये मल्टीपल फ्यूजन करता है, मतलब ये एक सेल कई सारे सेल में डिवाइड हो जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये देखो कई सारे डॉटर सेल बन गए इसके अंदर, ये छोटे छोटे डॉटर सेल्स बन गए, है ना, एक सेल ये कई सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, और यहां पर हम देख सकते हैं ये डॉटर सेल बाहर आ गए, ठीक है, विद द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पर एक पेरेंट सेल काफी सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फ्यूजन, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। तो ये हमने पढ़ लिया फ्यूजन के बारे में, दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रेगमेंटेड इंटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इंटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। सो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में या छोटे फ्रेगमेंट्स में कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और फिर वो जो स्मॉलर पीसेस होते हैं वो एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज स्पायरोगायरा। तो यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा क्या है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो जब देखो ये स्पायरोगायरा को जब हम बीच में से ऐसे कट कर देंगे तो ये जो दो स्मॉल पीस बन गए, ये जो दो फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, ये दोनों पीसेस एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएंगे। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन, वेरी इजी, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, कि जब भी हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्मॉलर पीसेज में, छोटे पीसेज में फ्रेगमेंट कर देते हैं, तो वो जो हर एक छोटा पीस होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। ओके, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, बेस्ट एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको इफ यू वॉन्ट। तो फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ लिया, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड टाइप विच इज रीजनरेशन। तो अब हम रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो रीजनरेशन में क्या होता है, इन दिस अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स मे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। रीजनरेशन में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हीं से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, ये प्लेनेरिया है, इसको हमने तीन पीसेस में कट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पीस था ये भी पूरा एक प्लेनेरिया में ग्रो हो गया, है ना, जो मिडल वाला पीस था वो भी पूरा एक प्लेनेरिया बन गया, है ना, और जो नीचे वाला था वो भी पूरा एक प्लेनेरिया बन गया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स थे, जब हमने प्लेनेरिया की बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, तो वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरा एक प्लेनेरिया में ग्रो हो गए। ठीक है, तो यहां पर ये कैसे ग्रो हुए पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म में,
because of the specialized regenerative cells. अगर जिस पार्ट को हमने कट किया है अगर उस पार्ट में वो स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स हैं, तभी वो बॉडी पार्ट एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म में ग्रो होगा, वरना वो ग्रो नहीं होगा। यहाँ पर यही डिफरेंस है दोनों में, मेजर डिफरेंस यही है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो पार्ट है, अगर जो कटा हुआ पार्ट है अगर उसमें स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स हैं, तभी वो पार्ट एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उस ऑर्गेनिज्म को स्मॉलर पीसेज में कट कर दोगे तो वो जो पीसेज हैं वो पूरा एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएंगे। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि उस पार्ट में वो स्पेशलाइज रीजनरेटिव सेल्स होने चाहिए, तभी वो पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो होंगे। ओके, सो आई होप आपको रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है, इन दिस अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स मे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स में से ही वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। क्यों ग्रो होता है, स्पेशलाइज रीजनरेटिव सेल्स होने चाहिए तभी ग्रो होगा, वरना नहीं। ओके, और इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ओके, सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ रीजनरेशन एंड दिस वॉज द थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज बडिंग। तो अब हम बडिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, इन बडिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो आउट एज बड विच देन डिटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बडिंग तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसमें से एक बड ग्रो होता है, ठीक है, और वो बड ग्रो होता है और फिर जब वो ग्रो हो जाता है पूरा, तो वो डिटैच होके एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ये हाइड्रा का डायग्राम है। तो यहाँ पर देखो, ये हाइड्रा है, ठीक है, ये इसके टेंटेकल्स हैं ऊपर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके साइड में से ये बड निकल रहा है, ठीक है, ये बड निकल रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगले डायग्राम में कि ये बड ग्रो कर रहा है, ये यहाँ से ये बड ग्रो कर रहा है, ठीक है, और फिर ये जब ये बड पूरा ग्रो हो जाता है तब ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है उससे, और एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो अब ये पूरा ग्रो हो चुका है, ये डिटैच हो जाएगा, इससे पूरा ये अलग हो जाएगा और ये एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज बडिंग। एक बड ग्रो होता है, ठीक है, और फिर वो ग्रो हो के जब वो पूरा ग्रो हो जाता है तब वो उस ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, और फिर वो एक पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, सो दिस वॉज द डायग्राम, और ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। ईस्ट में भी ऐसा ही होता है, वो उसमें भी ऐसे बड ग्रो होते हैं और फिर वो जब बड ग्रो हो जाता है तो वो डिटैच होके नया ईस्ट बना लेते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बडिंग। तो इसमें क्या होता है, इन बडिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो आउट एज बड, बड की फॉर्म में साइड में से ऐसे ग्रोथ होती है, ठीक है, विच देन डिटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और जब वो पूरा ग्रो हो जाता है तब वो डिटैच हो जाता है उससे, अलग होके वो एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बडिंग, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट, ठीक है। तो हमने बडिंग के बारे में पढ़ लिया, नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके, सो देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट इज द मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सारे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। सो इन वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट जब रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेरी सिंपल। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दो टाइप्स की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नाम से पता चल रहा है जो नेचुरली करी जाए, उसमें ह्यूमन का या फिर हमारा कोई इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो इसमें क्या होता है
natural vegetative propagation happens through leaves. Example, bryophyllum. तो इसमें क्या होता है कि लीव से, स्टेम से, रूट से जब प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. जैसे लीव से जब प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, जैसे बायरोफाइलम में, तो बायरोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में, इस प्लांट में क्या होता है कि जो वो लीव, ये जो प्लांट है ये लीव से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है. देन स्टेम से कुछ प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे टर्मरिक और जिंजर में. रनर या स्टोलन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रास रनर्स एंड स्ट्रॉबेरी में. बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं कई प्लांट्स, जैसे ऑनियन और लिली में आपने देखा होगा, ठीक है. सो इन सभी वेजिटेटिव पार्ट से जब प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है. तो यहाँ पर इसका एक डायग्राम भी गिवन है बुक में, ब्रायोफाइलम का. ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय लीव्स, ठीक है. तो देखो यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हो इसका. ये ब्रायोफाइलम का लीफ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो होने लग गए, ठीक है. ये छोटे छोटे यहाँ पर ये बर्ड्स ग्रो होने लग गए, ठीक है. जब ये ग्रो हो जाएंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे, है ना, ये इस लीफ से अलग हो जाएंगे. और जब ये नीचे गिर जाएंगे ग्राउंड पर, और फिर इन्हें जब भी सूटेबल कंडीशन मिलेगी, तब ये ग्रो होके एक नया प्लांट बन जाएंगे. ओके, सो दिस इज द प्लांट ऑफ ब्रायोफाइलम. इसमें ये लीव से रिप्रोड्यूस करता है. कैसे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं लीव्स पे, ठीक है. ये अलग हो जाते हैं, ये गिर के फिर ये नया प्लांट बन जाते हैं. ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है. तो हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ लिया. अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियल मेथड्स का हम यूज करते हैं, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर. तो ये सारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं. अब जैसे यहाँ पर कटिंग में क्या होता है, कटिंग में हम एक प्लांट के पार्ट को कट करके उसे मिट्टी में लगा देते हैं और फिर वो ग्रो हो जाता है. जैसे आपने रोज के प्लांट में देखा होगा, रोज की स्टेम को हम थोड़ा सा काट के उसे अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वो पूरा एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कटिंग. लेयरिंग में आप देख सकते हो कि प्लांट की एक स्टेम की लेयर को मिट्टी में दबा देते हैं और फिर वो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है. सो दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड्स और इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है. ये डायग्राम है एनसीईआरटी का. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफाइलम, ठीक है. और अब हम पढ़ेंगे आर सिक्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज स्पोर फॉर्मेशन. सो दिस इज द सिक्स एंड द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. तो देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस thousands of microscopic reproductive unit called spores which individually grow in a plant. तो spore formation में क्या होता है कि जो parent plant होता है वो बहुत thousands of spores produce करते हैं और वो जो spores होते हैं वो individually plant में grow हो जाते हैं. इसको बोलते हैं spore formation. अब इस diagram से समझ सकते हो. So this is the diagram of rhizopus, ठीक है. ये rhizopus का diagram है. ये यहाँ पर ये filament है और ये है स्पोरेंजिया. ये क्या है, ये है स्पोरेंजिया और इनके अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है. ये जो सैक लाइक आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया. इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है. सो इनके अंदर होते हैं स्पोर्स छोटे छोटे, ठीक है. और जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है. ये स्पोरेंजिया क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं. और जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होते हैं तब इनमें से ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्पोर्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं. तो ये स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं तभी जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरने के बाद जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये ग्रो हो जाते हैं इन इंडिविजुअल प्लांट्स, ठीक है. सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन. वेरी इजी, कुछ भी ऐसा इसमें डिफिकल्ट नहीं है कि यहाँ पर ये राइजोपस का डायग्राम है, ये स्पोरेंजिया है, ठीक है. जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, इनके अंदर स्पोर्स होते हैं. तो जब ये बर्स्ट होते हैं तो सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं एनवायरमेंट में और वो नीचे गिर के जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है. सो दिस इज द सिक्स्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज स्पोर फॉर्मेशन. तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया. यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट, ठीक है. तो
तो फ्रेंड्स हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमने उसके सारे 6 टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया है. फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन. तो सारे हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देन वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो लेट्स मूव ऑन. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें क्या होंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं और जायगोट बनता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जब ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा, ठीक है, तब क्या बनता है, जायगोट बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, सो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है देन जायगोट बनता है एंड दैट इज द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट. तो मेल पेरेंट से मेल गैमेट आता है और फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट आता है और जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं तब जायगोट बनता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा. ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और जायगोट बनाएंगे. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कि ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर लगते हैं तो उन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ओके, सो इस डायग्राम, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम और ये हिबिस्कस फ्लावर है. ये कौन सा फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट्स को समझेंगे कि एक फ्लावर में क्या कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और फिर हम बात करेंगे कि इस फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या फंक्शन है. ठीक है, तो देखो दिस इज द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस. यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि आपको ये नीचे जो ग्रीन पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये जो ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेपल. ठीक है, क्या बोलते हैं, सेपल. ये जो आपको नीचे ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही है, दीज आर नोन एज सेपल. और अगर हम ग्रुप ऑफ सेपल की बात करें, मतलब कई सारी पत्तियों की एक साथ अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स. कैलिक्स, ठीक है, सेपल्स इज इक्वल टू कैलिक्स. मतलब अगर हम एक से ज्यादा सेपल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेपल की बात कर रहे हैं, तो उसको प्लूरल में हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे. ठीक है, आई होप इतना आप सभी को समझ आ गया है. और इस सेपल का क्या काम होता है, ये फ्लावर को सपोर्ट करता है. ठीक है, ये जो आपको ये ऊपर का ये जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन दिख रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है ये सेपल. ठीक है, सो सेपल का क्या काम होता है, ये फ्लावर के इनर पोर्शन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेपल. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ये हमने सेपल पढ़ लिया, अब ये क्या होता है, ये जो आपको दिख रही है कलरफुल, दीज आर नोन एज पेटल. ऑब्वियसली पंखुड़ी, जो रंग बिरंगी पंखुड़ी होती है फ्लावर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल. ठीक है, और अगर हम एक से ज्यादा पंखुड़ी की बात कर रहे हैं, पेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं. अगर हम पत्तियों की बात करें, पंखुड़ियों की बात करें, ठीक है, एक से ज्यादा पेटल की बात करें तो उसको हम बोलते हैं कोरोला. ठीक है, और ये द अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है, उसका कलरफुल वाला पार्ट, जो पेटल्स होते हैं वही फ्लावर में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. क्यों अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि पेटल्स में क्या होते हैं, पेटल्स में होती है, पेटल्स कलरफुल होते हैं, है ना. फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं, वो कलरफुल होती हैं, है ना. और ऑल्सो उनमें फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू आती है उनमें से, फ्रेग्रेंस होती है पेटल्स में. और क्या होता है, और पेटल्स में नेक्टर होता है. नेक्टर मतलब जूस होता है.
जिसको इंसेक्ट्स चूसते हैं, है ना। तो हमें ये जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं, वो हमें अट्रैक्टिव क्यों लगती हैं? क्योंकि वो कलरफुल होते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस आती है और उनमें नेक्टर होता है, जूस होता है, ठीक है। अब ऐसा है, इन पेटल्स में ऐसा क्यों होता है, ये क्यों कलरफुल होती है, क्यों इनमें फ्रेग्रेंस आती है और क्यों इनमें नेक्टर होता है, ऐसा क्यों होता है? ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स में ये सारी चीजें होती हैं, वो कलरफुल होती है, उनमें फ्रेग्रेंस होती है और जूस भी होता है, विच इज नेक्टर। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करना है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने पेटल के बारे में डिस्कस कर लिया, विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ओके। तो अगर हम कई सारे पेटल्स की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। सो ये हमने पेटल्स के बारे में पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। तो देखो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिनसे रिप्रोडक्शन होगी, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, ठीक है। कई प्लांट्स में, कई फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो वन बाय वन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो आपको डंडियां दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये जो आपको यहां पर ये डंडियां दिख रही है, रॉड्स ये जो आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। और ये फिलामेंट के ऊपर ये जो आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोल गोल, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और फिलामेंट और एंथर को एक साथ हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। फिलामेंट और एंथर, इनको जब हम एक साथ देखें तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन क्या है, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट का जो मेल पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो कौन सा है, स्टेमन। स्टेमन में दो सब पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। ये फिलामेंट है और ये ऊपर वाला एंथर है। और ये जो एंथर होता है ना, ये जो आपको ऊपर ये एंथर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स, मतलब जो मेल के गैमीट्स हैं, जो फीमेल गैमीट्स से फ्यूज होंगे और जायगोट प्रोड्यूस होगा। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसको बोलते हैं मेल गैमीट, ठीक है। तो यहां पर एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, द मेल गैमीट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सो फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल गैमीट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, वो कौन सा होता है, पोलन ग्रेन होते हैं। और ये पोलन ग्रेन कहां होते हैं, एंथर में होते हैं, ठीक है। यहां पर ऊपर ये एंथर में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट को हम क्या, पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। और इसमें एंथर आता है, फिलामेंट आता है, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, आया समझ। सो ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट के बारे में बात कर ली। अब फीमेल पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आपको बीच में ये दिखाई दे रहा है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है वो कौन सा है, दिस वन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्पल, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें भी तीन पार्ट्स हैं, तीन सब पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये जो आपको बैग लाइक एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। ध्यान से समझो, दोबारा समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो द पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। तो यहां पर ये स्टिग्मा है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये स्टिग्मा है, ठीक है। ये ट्यूब क्या है, ये ट्यूब है स्टाइल, ठीक है। और ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बाहर, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। अब इस ओवरी के अंदर एक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे यहां पर जो एंथर होता है, उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमेट्स। और ऐसे ही यहां पर ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स।
और जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा और तभी नया ऑर्गेनिज्म सॉरी नया जायगोट बनेगा। ठीक है, तो अब ये कैसे फर्टिलाइज होंगे इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप पार्ट्स के बारे में समझो कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल के गैमेट्स। ठीक है, और ठीक है, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं कार्पल। तो कार्पल क्या है? फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट क्या होता है प्लांट का? स्टेमेन। और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं कार्पल। कार्पल भी बोल सकते हो या फिर आप पिस्टल भी बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट पिस्टल, पी आई, कार्पल भी बोल सकते हो या फिर पी आई एस टी आई एल, पिस्टल भी बोल सकते हो। ठीक है, सो एक प्लांट का फीमेल पार्ट होता है कार्पल या फिर पिस्टल। उसमें तीन पार्ट्स आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? कार्पल या फिर पिस्टल। और ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और स्टेमन होता है मेल पार्ट जिसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं, और एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स विच आर द मेल गैमेट। ठीक है, सो आई होप इतना आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है। इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है और इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो देखो अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं और यहाँ पर ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट्स है। तो यहाँ पर मेल गैमेट्स है, यहाँ पर फीमेल गैमेट्स है, इनको फ्यूज होना पड़ेगा। जब ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तभी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अभी कैसे फ्यूज होंगे, अभी इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, पॉलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन कैसे होता है, कैसे ये पोलन ग्रेन्स यहां से फीमेल गैमेट्स तक जाते हैं। क्योंकि मेन एम क्या है, एम क्या है यहाँ पर, हमारा गोल क्या है, कि जो मेल गैमेट्स हैं, कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जायगोट बनेगा ना। तो कैसे जाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के प्रोसेस में। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। तो हमने डायग्राम पढ़ लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्यों ट्रांसफर होना होता है? क्योंकि हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं। और स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ ऐसा दिखता है फ्लावर में, तो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टिग्मा, है ना, और यहां पर होते हैं फीमेल गैमेट्स, यहां पर ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स। तो कैसे ना कैसे करके पोलन ग्रेन्स को कहां तक पहुंचना है? फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? फर्स्ट इट हैव टू रीच टू द स्टिग्मा ना, सबसे पहले पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, फिर वो जो पोलन ग्रेन्स है फिर वो जाएगा कहां? इन फीमेल गैमेट्स के पास, और फ्यूज हो जाएगा एंड देन अ जायगोट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में वो कहां ट्रांसफर होते हैं पहले, कहां उनको पहले ट्रांसफर होना होता है? पहले स्टिग्मा पर जाएंगे वो। ठीक है, फिर स्टिग्मा से वो फीमेल गैमेट्स तक जाएंगे। सो पोलन ग्रेन्स के इस ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। वेरी सिंपल, यहां पर मैं अगले डायग्राम से भी समझा देती हूँ कि ये देखो यहां पर हम देख सकते, हमें पता है कि ये यहां पर है पोलन ग्रेन्स, यहां पर है पोलन ग्रेन्स, यहां पर पोलन ग्रेन्स है और यहां पर है फीमेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स को यहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले तो उसको स्टिग्मा पर पहुंचना पड़ेगा ना, यहां पहुंचना पड़ेगा, तभी तो वो जाएगा फीमेल गैमेट्स तक। सो पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा
इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और ये ट्रांसफर क्यों होता है, ताकि वो जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचे और फर्टिलाइजेशन हो और नया जायगोट डेवलप हो, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो। ऑब्वियसली अगर फ्लावरिंग प्लांट को रिप्रोड्यूस करना है तो जायगोट बनना चाहिए ना, कैसे बनेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, कैसे होगा, तो सबसे पहले पोलन ग्रेन्स को कहां जाना पड़ेगा, स्टिग्मा पर। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा तक जाएंगे कैसे, कैसे जाएंगे, हाउ विल बी द पोलन ग्रेन्स विल बी एबल टू रीच स्टिग्मा, कैसे जाएंगे ये, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विंड की हेल्प से या फिर इंसेक्ट्स की हेल्प से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब इंसेक्ट्स की हेल्प से कैसे, तो देखो मान लो कोई इंसेक्ट है वो इस एंथर के ऊपर बैठ गया, ठीक है, मान लो कोई इंसेक्ट आया और वो इस एंथर के ऊपर बैठ गया, तो जो इंसेक्ट्स के पैर होते हैं उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स थोड़े स्टिकी होते हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट के पैर पर वो पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। और मान लो फिर वो इंसेक्ट उड़ के इस स्टिग्मा पर बैठ गया, तो स्टिग्मा भी थोड़ी स्टिकी होती है, ठीक है, तो जब इंसेक्ट यहाँ पर स्टिग्मा पर बैठेगा तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे। ओके, सो ऐसे ट्रांसफर हो सकता है, या फिर विंड की हेल्प से, हवा की वजह से भी ट्रांसफर हो सकता है, मान लो बहुत तेज हवा चली तो पोलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा पर पहुंच गए, सो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी पॉलिनेशन हो सकता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, विंड की हेल्प से, हवा की हेल्प से भी हो सकता है, इंसेक्ट्स की हेल्प से भी हो सकता है, वाटर की हेल्प से भी हो सकता है, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पॉलिनेशन के। ओके, सो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दैट इज पॉलिनेशन। तो इस डायग्राम से आप ये समझ सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं, सो देयर जो पॉलिनेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब इनके बारे में समझते हैं। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर गए देन दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब मान लो अगर कोई एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, पिछले डायग्राम में ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक फ्लावर है, मान लो कि यहाँ पर, यहां से जो पोलन ग्रेन्स हैं, एक मिनट, यहां से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक चले गए, तो मतलब जो सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स थे वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक गए, सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ये एक ही फ्लावर में होता है पॉलिनेशन, जो पोलन ग्रेन्स थे वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक गए, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेम फ्लावर एक ही फ्लावर में, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब यहां पर क्या होते हैं, दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उड़ के चले गए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो उड़कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले गए, सो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दो फ्लावर्स यहां पर आ जाएंगे, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक गए, सो दैट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें दो फ्लावर्स हो जाएंगे, दो अलग अलग फ्लावर्स। और जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं और फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओके, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, और ये भी दो टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सो आई होप आपको पॉलिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया है। अब जब पॉलिनेशन हो जाता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तब क्या होगा, तब होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन, ये डायग्राम है, डायग्राम को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहां पर पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल्स विद द फीमेल गैमेट्स। वही बात कि मैं आपको बता चुकी हूं कि जब पॉलिनेशन हो जाता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गए, फिर क्या होगा, फिर होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में जो मेल जर्म सेल होते हैं, मेल जर्म सेल्स कौन से होते हैं प्लांट में,
कौन से पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट्स, द मेल जर्म सेल्स. तो और जब इनका फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट से तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जायगोट बनता है सो दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो अब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं. स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद अब वो पॉलन ग्रेन्स कहां जाएंगे, फीमेल गैमेट तक जाएंगे. और जब पॉलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट तक जाएंगे तो उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट बनेगा. ओके सो अब हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं. सो पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल. मेल जर्म सेल बोलो या मेल गैमेट्स बोलो, बात एक ही है. ठीक है. सो मेल जर्म सेल्स कौन से होते हैं प्लांट में, पॉलन ग्रेन्स. और फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल में. सो इनका जब फ्यूजन होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन. अब इट गिव्स राइज टू जायगोट. और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तब क्या बनेगा, जायगोट बनेगा. ओके सो दैट विल बी द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म, दैट विल बी द न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है. तो जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद. एज सून एज द पोलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा इट रीचेस द फीमेल जर्म सेल्स इन ओवरी. ऑब्वियसली बात है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया है तब उसको कहाँ जाना है, फीमेल गैमेट्स तक जाना है. फीमेल गैमेट्स कहाँ पर होते हैं प्लांट में, ओवरी में होते हैं. बताया था ना, ओवरी में होते हैं फीमेल गैमेट्स. तो पॉलन ग्रेन्स को फिर कहां तक जाना होता है, फीमेल गैमेट्स के पास जाना होता है ओवरी में. ठीक है. देन फिर क्या होता है, दिस अकर्स वाया पोलन ट्यूब. और वो पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट्स तक जाएंगे कैसे, पोलन ट्यूब की हेल्प से. अब पोलन ट्यूब क्या होती है इसके बारे में डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. तो पोलन ट्यूब की हेल्प से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक जाते हैं, वहां तक ट्रांसफर होते हैं. ओके. फिर द पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीचेस द ओवरी. तो पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है स्टिग्मा में से, एक पोलन ग्रेन्स में से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब. वो पोलन ट्यूब फीमेल गैमेट्स तक जाती है ओवरी में. ठीक है. और पोलन ग्रेन्स को लेकर जाती है फीमेल गैमेट्स तक और फिर फ्यूजन होता है. सो अभी डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो. तो क्या होता है, जब जायगोट बन जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अब वो जायगोट में भी सेल डिवीजन होता रहता है. ठीक है. सेल डिवीजन होता है कई बार और फिर वो एक एम्ब्रियो बन जाता है. ठीक है. एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है एम्ब्रियो. ठीक है. विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर. ठीक है. क्योंकि ओव्यूल में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा तो वहीं पर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वहीं पर एम्ब्रियो बनता है. ठीक है. दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड. और फिर क्या होता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है और जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल मैंने आपको बताया था जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो उस ओव्यूल के ऊपर एक रफ कोट, एक हार्ड सी कवरिंग डेवलप हो जाती है और वो जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है, एक सीड बन जाता है. ठीक है. और ओवरी क्या बनता है, ओवरी बनता है फ्रूट. ठीक है. तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. तो ओव्यूल क्या बनता है, ओव्यूल बन जाता है सीड. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बनता है, सीड बन जाता है. कैसे बनता है, उसके ऊपर एक टफ कोट डेवलप हो जाता है. ठीक है. एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. The ovary rapidly grows and ripens as fruit. और जो ovary होता है, ovary क्या बन जाता है, वो पक जाता है और वो एक fruit बन जाता है. ठीक है. हमें पता है कि ovary के अंदर क्या होता है, ovule होता है. तो ovule seed बन जाता है और जो ovary होता है वो क्या बनता है, fruit बन जाता है. ठीक है. Very simple. So ovule will become the seed and ovary converts into the fruit. ठीक है. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशंस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो ओव्यूल है वो सीड बन चुका होता है और उस सीड के अंदर क्या होता है, वो एम्ब्रियो होता है, जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. और जैसे ही उस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, सारी सूटेबल कंडीशन मिलती है, तब वो जर्मिनेट हो जाता है और एक नया प्लांट बन जाता है. ओके. सो हमने देखा कि कैसे पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ और कैसे एक नया प्लांट बन गया. ठीक है. कैसे बना, दोबारा देखते हैं. फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का. फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट फिर सेल डिवीजन होगा उसमें और वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन जाता है. ठीक है. और फिर क्या होगा, वो एम्ब्रियो डेवलप होगा,
और फिर थोड़ी देर बाद जो थोड़े टाइम बाद जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा, ओव्यूल सीड बन जाएगा और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाएगा। और ये ओव्यूल जो सीड बना है, इस सीड के अंदर क्या होगा, वो एम्ब्रियो होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। और जैसे ही सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे तब वो जर्मिनेट हो जाएगा एक नए प्लांट में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ऑब्वियसली जर्मिनेशन तो आप सभी को पता ही होगा, ओके। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। सो ये हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन के बारे में। डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये किसका डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल पार्ट। ये किसका डायग्राम है, कार्पल का डायग्राम है, कार्पल या बोलो या पिस्टल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो ये स्टिग्मा होता है, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है, ये है स्टिग्मा। और यहाँ पर ये आपको ट्यूब दिख रही है, ये क्या है, दिस इज द स्टाइल। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है, दिस इज द ओवरी, ठीक है। तो अब देखो फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, पॉलिनेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम इस डायग्राम में समझेंगे, ये पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स पहुंच चुके हैं यहाँ पर स्टिग्मा पर विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स आ चुके हैं, अब इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर इन फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचना है। ये ओवरी होता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर होते हैं ये फीमेल गैमेट्स। तो इन पॉलन ग्रेन्स को जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, इनको यहाँ पर पहुंचना है ओवरी के पास, जहां पर क्या है, फीमेल गैमेट्स है, तो इनको यहाँ पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, तो क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स में से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, एक ट्यूब ग्रो होती है और उस ट्यूब को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। वेरी सिंपल, अभी बताया था मैंने कि पॉलन ग्रेन्स में से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब में ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये ट्यूब पॉलन ग्रेन्स को यहां पर फीमेल गैमेट्स तक लेकर जाती है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ आ गया है कि पॉलन ग्रेन्स में से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट्स तक लेकर जाती है और वहां लेकर जाती है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो, जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलन ग्रेन आए स्टिग्मा पर, हो सकता है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आ जाए, या हो सकता है दो पॉलन ग्रेन्स आ जाए स्टिग्मा पर, तो दोनों पॉलन ग्रेन्स में से पॉलन ट्यूब निकलेगी। इस वाले पॉलन ग्रेन में से भी पॉलन ट्यूब निकलेगी, इस वाले पॉलन ग्रेन में से भी पॉलन ट्यूब निकलेगी, लेकिन जिसकी पॉलन ट्यूब सबसे पहले फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेगी, उसी के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाते हैं, सो जितने भी पॉलन ग्रेन्स आएंगे सब में से पॉलन ट्यूब निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी, जिसकी पॉलन ट्यूब सबसे पहले फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेगी, उसी के साथ उस पॉलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन होगा, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, की पॉलन ग्रेन्स में से एक ट्यूब निकलती है, दैट इज द पॉलन ट्यूब, एंड देन इट रीचेस द फीमेल जर्म सेल, या फिर आप बोल सकते हो फीमेल के गैमेट्स जो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगॉट बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म हो जाता है, ओके। सो ये मैं आपको बता दिया। सो इस डायग्राम से आप ये और अच्छे से समझ सकते हो। सो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने देखा कि प्लांट का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है, फिर कैसे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा तक जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। कैसे जाते हैं, इंसेक्ट्स की हेल्प से, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाते हैं, फिर स्टिग्मा से वो पॉलन ट्यूब निकलती है, और फिर जो पॉलन ग्रेन्स है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, एंड देन द न्यू प्लांट ग्रोज, और सीड बन जाता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद, और फिर वो सीड से नया प्लांट बन जाता है, ओके। सो दिस वॉज द टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे आर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेस्टीज। सो टेस्टीज क्या करती है, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टीज। सो मेल के जो गैमेट्स होते हैं, मेल के जो जर्म सेल्स होते हैं, जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, सो इनकी फॉर्मेशन कहां पर होती है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहां पर होती है, मेल में, टेस्टीज में, ओके।
सो इन द टेस्टिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस. ठीक है, स्पर्म कहां पर बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं. और स्पर्म होते क्या है? मेल के गैमेट्स. ठीक है, मेल के जर्म सेल्स. ओके, देन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म की फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन मेल. तो ये स्पर्म की फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और फिर थ्रू आउट द लाइफ चलता है. प्यूबर्टी इज अ सर्टेन एज वेयर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप. तो प्यूबर्टी के टाइम पर स्पर्म्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है मेल में और ये थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहती है. ठीक है, देन टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. मेल हार्मोन जो मेल की बॉडी में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सो वो हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन. सो टेस्टोस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है? टेस्टिस. ठीक है, सो टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरॉन. और ये टेस्टोस्टेरॉन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन अ मेल. ठीक है, सो दैट इज द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. और इसको कौन सिक्रीट करता है? टेस्टिस. ओके, सो ये हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, इसके क्या फंक्शंस हैं और ये क्या करता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. तो देखो, अब हम बात करेंगे स्क्रोटम के बारे में. ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ये स्पेलिंग यहाँ गलत हो रखी है. यहाँ पर दिस इज स्क्रोटम. ठीक है, तो अब स्क्रोटम के बारे में पढ़ते हैं. तो देखो, इट इज अ सैक ऑफ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड द टेस्टिस. तो स्क्रोटम क्या है? ये एक थिक स्किन, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को सराउंड करता है. ठीक है, और उन्हें प्रोटेक्ट करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस सिंस दे हैव टू बी एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर सुटेबल स्पर्म क्रिएशन. स्पर्म बनने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से, इसीलिए जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो पाए. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम. ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है थिक स्किन का, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस होते हैं और ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि टेस्टिस में स्पर्म्स बन पाए. ओके, देन स्क्रोटम हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे वास डिफरेंस. सो वास डिफरेंस क्या होता है? द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर. द यूरेथ्रा थस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन. तो वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेकर जाती है और फिर यूरेथ्रा एक ट्यूब है जिसमें से यूरिन स्पर्म्स दोनों पास होते हैं. सो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन. तो वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को लेकर जाती है. ठीक है, और फिर जो यूरेथ्रा है उसमें से यूरिन भी स्पर्म्स भी दोनों पास होते हैं. सो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन व्हेन एवर रिक्वायर्ड. ठीक है, सो ये हमने वास डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया. सो दीज वर सम ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमने टेस्टिस के बारे में बात करी, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्क्रोटम एंड वास डिफरेंस. यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट. ठीक है, सो ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ली. अब डायग्राम भी देख लेते हैं बिकॉज डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम विद द लेबलिंग. ठीक है, तो अब डायग्राम भी देख लेते हैं. सो दिस इज द डायग्राम फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये टेस्टिस है. ठीक है, ये टेस्टिस है जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है और ये स्क्रोटम है बैग लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस को सराउंड करता है. ठीक है, और ये वास डिफरेंस है. ये ट्यूब आप देख सकते हो, ये वास डिफरेंस है जो स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक लेकर जाती है. ठीक है, एंड दिस ट्यूब, ये ट्यूब जो यूरिनरी ब्लेडर से आ रही है, ये यूरेथ्रा है. ठीक है, तो वास डिफरेंस है, स्पर्म्स यहां से आए, स्पर्म्स यहां आए और यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन आया और फिर यूरिन और स्पर्म्स दोनों यूरेथ्रा से ही पास होते हैं. सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन. ठीक है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, ये वास डिफरेंस है, ये यूरेथ्रा है. ठीक है, एंड दिस इज द यूरेटर, सेमिनल वेसिकल. सो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए. दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज के बारे में. तो ओवरीज क्या है? अ पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. तो ओवरी क्या है? दो ओवल शेप्ड ऑर्गन होती हैं जो हमारे लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होती हैं. ठीक है, दे फॉर्म द ओवम एंड सिक्रीट द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो ओवरीज क्या करती हैं? ओवरीज फीमेल गैमेट्स को रिलीज करती हैं. जैसे हमने देखा था टेस्टीज क्या रिलीज करते हैं? मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं विच इज स्पर्म्स. और ऐसे ही फीमेल में ओवरीज फीमेल गैमेट्स को रिलीज करती हैं विच इज द ओवम. ठीक है, और ओवरीज फीमेल हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं. कौन से होते हैं फीमेल हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो ये फीमेल हार्मोन्स भी कौन सिक्रीट करता है? ओवरीज. ठीक है, सो इट हैज द सेम फंक्शन एज टेस्टीज इन मेल्स. जैसे हमने मेल्स में टेस्टीज के बारे में पढ़ा कि वो स्पर्म सिक्रीट करता है और मेल हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज टेस्टोस्टेरॉन. ऐसे ही फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल गैमेट्स रिलीज करती हैं विच इज ओवम, और ये फीमेल हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं विच आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, ओवरीज के बारे में समझ आया. अब आगे देखते हैं विच इज द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज फेलोपियन ट्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट. तो फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट. ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है? देखो, दे आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब एंड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस टू द एज ऑफ ओवरीज. इट कैरीज ओवा और एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस. इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट है फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब क्या है? ये एक मस्कुलर सी ट्यूब होती है, दो मस्कुलर ट्यूब होती हैं जो यूट्रस से ओवरीज के एज तक कनेक्टेड होती हैं, एक्सटेंडेड होती हैं. आगे डायग्राम में भी देखेंगे, ओवरीज से यूट्रस तक ये दो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं फनल शेप, ये कनेक्टेड होती हैं, एक्सटेंडेड होती हैं, दैट आर द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, और ये फेलोपियन ट्यूब क्या करती है? ये ओवम को, या जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवम, या सिंगुलर में बोले तो ओवा, ओवम को हम एग भी बोलते हैं. ठीक है, ओवा या फिर एग. तो ये एग को, ओवा को ओवरी से यूट्रस तक लेकर जाती हैं. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है? ओवरीज ने ओवा प्रोड्यूस किया, एग प्रोड्यूस किया, और फिर उस एग को, उस ओवा को फेलोपियन ट्यूब यूट्रस तक लेकर जाती है. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब. और फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना और जायगोट का बनना, दिस इज फर्टिलाइजेशन. तो मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है. फीमेल गैमेट क्या होता है? एग या फिर ओवा. तो स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है वो कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में ही होता है. मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब में होता है. इसीलिए फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब एक दो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो ओवरीज से यूट्रस तक एक्सटेंडेड होती हैं. ये ओवा या फिर एग को ओवरीज से यूट्रस तक लेकर जाती हैं. ठीक है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो इफ यू वॉन्ट. तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज यूट्रस. तो यूट्रस, जिसको हम वोम्ब भी बोलते हैं, यूट्रस क्या है? एक पियर बैग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जहां पर बेबी ग्रो होता है. मदर के पेट में कहां पर होता है बेबी ग्रो? यूट्रस में. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द वोम्ब. ठीक है, तो देखो, अ होलो पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस. तो देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, स्पर्म और एग फ्यूज होने के बाद जायगोट बनता है. ठीक है, अब वो जायगोट यूट्रस में आता है, यूट्रस में वो जायगोट ग्रो होता है. ठीक है, और वो बेबी बनता है, फीटस बनता है. ठीक है, तो जो बेबी की जो ग्रोथ होती है मदर के पेट में, वो कहां होती है? यूट्रस में होती है. ठीक है, तो ये एक होलो खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर फीटस ग्रो होता है. ठीक है, ठीक है. सो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो आपको ये बीच में खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द यूट्रस. ठीक है, ये क्या है? यूट्रस है.
ओके सो आप डायग्राम में भी देख सकते हो. सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज वेजाइना. तो वेजाइना क्या है? इट रिसीव्स स्पर्म्स फ्रॉम मेल पार्टनर एंड सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल. तो वेजाइना क्या है? वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है जहां से स्पर्म्स एंटर होते हैं फ्रॉम द मेल पार्टनर. एंड वेजाइना ऑल्सो सर्व्स एज अ बर्थ कैनाल. मतलब बेबी का बर्थ कहां से होता है? वेजाइना से. ओके सो दिस इज वेजाइना. यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज अ मस्कुलर ट्यूब एंड यहां से स्पर्म्स एंटर होते हैं. देन स्पर्म्स यहां से यूट्रस में आते हैं, ठीक है. और यहां पर आप देख सकते हो ये ओवरीज है, ये एग रिलीज करती है, ठीक है. मैंने आपको बताया था फीमेल गैमेट्स. सो ये ओवरीज हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है. ये दो साइड पर लोकेटेड होती हैं और ये एग रिलीज करती हैं. एग यहां से ये रिलीज हुआ और ये फैलोपियन ट्यूब है. ये आपको जो ट्यूब दिख रही है दिस इज नोन एज ओविडक या फिर फैलोपियन ट्यूब, ठीक है. तो जब एग यहां पर आता है और अगर मान लो स्पर्म्स यहां पर प्रेजेंट है तो स्पर्म्स यहां फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और एग के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं. एक स्पर्म एक एग के साथ ही फर्टिलाइज होगा, ठीक है. तो जो सा स्पर्म सबसे पहले पहुंचेगा एग तक वही उसके साथ फर्टिलाइज होगा, ठीक है. तो यहां पर एग प्रेजेंट होता है और स्पर्म्स यहां से आते हैं और उस एग के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं. सो यहां पर जो फेलोपियन ट्यूब है यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. इसलिए फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है. और अगर मान लो एग फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो जो फर्टिलाइज एग है वो यहां से यूट्रस में आता है, ठीक है. और ये यूट्रस यहां पर ये ब्लड की लाइनिंग प्रिपेयर कर लेता है ताकि उस फर्टिलाइज एग के लिए, ठीक है, वो जो फर्टिलाइज हुआ है एग उसके लिए ये यूट्रस तैयार हो जाता है, ब्लड की लाइनिंग चारों तरफ प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है. और फिर वो एग यहां पर आता है यूट्रस में और यहां पर बेबी ग्रो होता है. ओके सो दिस इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वेजाइना, दिस इज ओवरी और ये है फेलोपियन ट्यूब या फिर आप कह सकते हो ओविडक्ट. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आई होप आप सभी को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आ गया है. यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट. सो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है. तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है और जायगॉट बनता है दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है. तो ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है. द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, ठीक है. स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है और ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है. तो जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है और जायगॉट बनता है दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है. इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है. When the sperm fuses with the egg, it forms a zygote that gives rise to a new progeny. तो जब sperm ovum के साथ fuse होता है तो क्या बनता है? Zygote बनता है, ठीक है. और ये zygote ही क्या होता है? नया living organism, नया offspring, ठीक है. This is the new progeny, ठीक है. ये जो zygote बनता है fertilization के बाद, ठीक है. अब द zygote undergoes various divisions to form an embryo. अब जो zygote है, जो fertilization के बाद जो cell बना है sperm और ovum के fusion के बाद जो zygote बना है उसमें division होती है, ठीक है. और वो embryo बनता है. क्या बनता है? Embryo बन जाता है, ठीक है. Then the embryo sinks down and reaches into the soft and thick lining of the uterus. अब वो जो एम्ब्रियो बना है वो यूट्रस में जाता है. मैंने आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाता है और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है. कैसे प्रिपेयर करता है? चारों तरफ एक सॉफ्ट लाइनिंग प्रिपेयर कर देता है ब्लड की ताकि उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिले, ठीक है. देन द एम्ब्रियो सिंक्स डाउन एंड रीचेस इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस. यूट्रस चारों तरफ सॉफ्ट और एक थिक लाइनिंग कर लेता है ब्लड की फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है. द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. अब जब वो एम्ब्रियो यूट्रस में आता है तो वो यूट्रस की एक लाइनिंग में एम्बेड हो जाता है, मतलब उसमें अटैच हो जाता है. जैसे आप डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हो. यहां पर आप देखो डायग्राम में यहां से वो एम्ब्रियो आया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है. तो यहां पर देखो यहां से वो एम्ब्रियो आया यूट्रस में. अब यूट्रस ने ये देख लो यहां पर ये चारों तरफ एक सॉफ्ट लाइनिंग प्रिपेयर कर दी है ब्लड की,
क्यों प्रिपेयर करी है, ताकि उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिले, क्योंकि यहाँ पर वो एम्ब्रियो ग्रो करेगा, ठीक है, यहाँ पर बेबी ग्रो करेगा। तो इसलिए यूट्रस ने चारों तरफ एक सॉफ्ट और थिक लाइनिंग प्रिपेयर कर ली ब्लड की, ठीक है। अब वो एम्ब्रियो जब यूट्रस में यहाँ पर आएगा, तो वो किसी भी एक साइड अटैच हो जाएगा, ठीक है, एम्बेड हो जाएगा, मतलब अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे कहीं पर भी एक साइड ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो यूट्रस की किसी भी एक थिक लाइनिंग में एम्बेड हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं वहीं पर। सो द एंडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इज इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की थिक लाइन में एम्बेड हो जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है वहां पर, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद प्लेसेंटा। अब वो जो एम्ब्रियो है, अब वो जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। वो कैसे मिलेगा, मदर के ब्लड में से मिलेगा, है ना, और मदर के ब्लड से कैसे मिलेगा, प्लेसेंटा से, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो थिक लाइनिंग आपको दिख रही है, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। यहां से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से, एंड दिस इज नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। सो द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद प्लेसेंटा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, तब जायगोट बनता है, एंड देन दिस प्रोसेस हैपन्स, ठीक है। फिर वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं उसको, और फिर वो बेबी ग्रो करता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो ये हमने फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर मान लो एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, ठीक है, एग को स्पर्म्स मिले ही नहीं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तब क्या होगा, तब होती है मेंस्ट्रुएशन। देन व्हाट हैपेंस, मेंस्ट्रुएशन। अब इसको समझते हैं अच्छे से, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मान लो एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, उसको स्पर्म्स मिले ही नहीं, तब क्या होगा, तब मेंस्ट्रुएशन होती है। सो व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, इसको समझते हैं। सिंस द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ, द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, थस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। तो देखो, जो हमारी ओवरीज होती हैं, वो हर महीने, हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एवरी मंथ दे प्रोड्यूस अ एग, ठीक है। और यूट्रस को लगता है कि उसे एक फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा, इसीलिए यूट्रस भी खुद को हर महीने प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है, एक थिक लाइनिंग डेवलप कर लेता है अपने चारों तरफ, ताकि फर्टिलाइज्ड एग की नरिशमेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यूट्रस ने चारों तरफ ये थिक लाइनिंग प्रिपेयर कर ली है ब्लड की, ठीक है, ये थिक लाइनिंग बना लेता है यूट्रस अपने चारों तरफ, ताकि वो फर्टिलाइज एग यहाँ पर ग्रो कर पाए, है ना। तो यूट्रस हर महीने ऐसा करता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, चारों तरफ एक थिक ब्लड की लाइनिंग प्रिपेयर कर लेता है फॉर द फर्टिलाइज एग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सो सिंस द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ, हर महीने एक एग रिलीज होता है, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, और हर महीने ही जो यूट्रस है वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए। कैसे प्रिपेयर करता है, चारों तरफ एक थिक लाइनिंग बना लेता है ब्लड की, ठीक है, थस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है चारों तरफ की, वो मोटी और स्पॉन्जी हो जाती है बाय द ब्लड, ठीक है। देयर If egg is not fertilized, it lives for about one day. Now, however, this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. तो देखो, अगर मान लो एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, एग की फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, तो अब उस एग का कोई काम ही नहीं है, है ना, क्योंकि जब एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं तो जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और बेबी डेवलप होगा ही नहीं। तो यूट्रस के चारों तरफ वो जो लाइनिंग थी फर्टिलाइज एग के लिए, अब उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ ना। तो अब वो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की चारों तरफ, वो ब्रेक डाउन होने लग जाती है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो बॉडी से बाहर आती है थ्रू द विजाइना, और क्या, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड और म्यूकस दोनों आते हैं, ब्लड भी और म्यूकस भी। म्यूकस क्यों, क्योंकि
क्योंकि देखो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो भी ब्रेक डाउन होके बाहर आता है. सो द म्यूकस ऑफ द एग एंड द ब्लड दैट वॉज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, तो ये वजाइना से बाहर आता है. एंड दिस हैपन्स एवरी मंथ, ठीक है, क्योंकि हर महीने ओवरीज एक एग रिलीज करता है. अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, बेबी बन जाएगा, डेवलप होगा इन द यूट्रस. लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तब यूट्रस की जो चारों तरफ की जो लाइनिंग होती है ब्लड की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, एंड देन इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है. तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एग इज नॉट फर्टिलाइज, इट लिव्स फॉर अबाउट वन डे. अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एक दिन के लिए वो रहता है लेकिन फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है. और ऐसे ही जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो जो लाइनिंग होती है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है. एंड इट कम्स आउट थ्रू द बॉडी बाय वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है. देन दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. तो ये साइकिल हर महीने होती है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है. और ये रफली 2 to 8 दिन तक चलती है, ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. आई होप आप सभी को समझ आ गया है. अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो बेबी डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ देन व्हाट हैपन्स, मेंस्ट्रुएशन हैपन्स, ठीक है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो ये हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ लिया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ये होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है. सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. देर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं STDs, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे डिजीजेज होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं, ठीक है. उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम STDs भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, वार्ड्स, ये सब क्या है, ये सभी STDs हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. गोनोरिया, सिफिलिस ये बैक्टीरियल है और HIV और वार्ड्स ये वायरल है. मतलब ये गोनोरिया और सिफिलिस ये जो डिजीजेस हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं और HIV और वार्ड्स ये वायरस से होते हैं, ठीक है. सो दैट्स वाई दे आर वायरल डिजीजेस. सो दीज आर सम ऑफ द STDs वी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन. Contraceptives. So contraceptives क्या होती है. Contraceptives are devices that prevent unwanted pregnancy and help avoid STDs. So contraceptive ऐसे method होते हैं जो unnecessary unwanted pregnancy को avoid करते हैं, ठीक है, और STDs को spread होने से भी रोकते हैं, sexually transmitted disease को होने से भी रोकते हैं contraceptives, ठीक है. तो देखो contraceptives can be of various types such as mechanical barriers, chemical methods and surgical methods. सो कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं, फिजिकल मेथड्स भी हो सकते हैं, फिजिकल मेथड या फिर मैकेनिकल बैरियर एक ही बात है, ठीक है. केमिकल मेथड्स भी होते हैं और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है. सो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मेथड के बारे में. तो फिजिकल मेथड्स मोस्टली मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, ठीक है. सो टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म के फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फिजिकल मेथड्स का यूज किया जाता है. क्योंकि अगर एग और स्पर्म का फ्यूजन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, सो इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी. इसीलिए एग और स्पर्म के फ्यूजन को रोकने के लिए वी यूज सम ऑफ द फिजिकल मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स एंड डायफाग्राम. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल मेथड्स विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है. ये एग और स्पर्म के फ्यूजन को रोकते हैं और अगर एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा देन इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, ओके. सो दीज आर द सम ऑफ द फिजिकल मेथड्स, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट. सो अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स के बारे में. तो यूज ऑफ ओरल पिल्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयां आती हैं, ऐसी बहुत सारी पिल्स आती हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं और एग रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है. एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी. इसलिए ऐसी बहुत सारी ओरल पिल्स, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं और उससे फिर एग रिलीज नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता,
ठीक है, लेकिन जब हम ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं जो हमारे हॉर्मोनल बैलेंस को चेंज करें तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मे हैव साइड इफेक्ट्स, मतलब इन केमिकल मेथड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर. ओके, देन इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, तो ये क्या होते हैं, कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. तो देखो कॉपर टी एक टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉपर से बना होता है, उसको यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके. ठीक है, सो दीज आर दिस इज नोन एज इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी, ठीक है, लूप, ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज. ठीक है, सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, सर्जरी की हेल्प से भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है. कैसे, इन मेल्स द वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वेसेक्टॉमी. ठीक है, मेल्स में क्या कर दिया जाता है, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है. वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देंगे तो स्पर्म्स रिलीज ही नहीं होंगे, अगर स्पर्म्स रिलीज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सो वी कैन अवॉइड द प्रेगनेंसी. ठीक है, सो इन मेल्स द वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर एंड इसको हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी बोलते हैं. ठीक है, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक कर देते हैं तो स्पर्म्स का ट्रांसफर होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता. ठीक है, सो इस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी, क्योंकि वास डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है मेल्स में. ठीक है, और फीमेल्स में भी किया जा सकता है, इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर एंड इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी. तो फीमेल्स में क्या कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग रिलीज ना हो, और एग रिलीज हो तो वो यूट्रस तक ना पहुंचे. ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वही सेम बात, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये सभी किया जाता है. ठीक है, सो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सर्जिकल मेथड्स टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो फ्रेंड्स, वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. We have discussed about every concept and every topic. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, then you can ask me in the comment box below. Thank you so much for watching. I will be coming back with some more new topics of class 10th. Till then, that's it. Thank you very much.